टु अवर च्यानल गुड मर्निङ. आज चाहिँ हो तपाईँको भाइटिका. सबै नेपालीहरूलाई थाहै छ आज चाहिँ भाइटिका हो है. र आज चाहिँ छ भाइटिका स्पेसल ब्लग्स म बनाइरहेको छु है. भाइटिकाको हामी कसरी मनाउँछौँ हामी नेपालीहरूले है, भाइटिकामा के गर्छौँ म सबै देखाउने छु आज तपाईँहरूलाई. सो इन्जोय द ब्लग्स. र आज चाहिँ म सुरु गर्दैछु ब्लग्स. पहिला चाहिँ मैले सबै रेडी गरिसकेँ भाइटिकाको लागि है. र आज मैले सब तयारी कर लिया है भाइटिकाको लागि. जो बङ्गाली लोग है वो भी भाइटिका मनाते हैं, पता है हमें. उन लोगों का कुछ भाई भाई क्या बोल के मनाते हैं और हम लोग नेपाली लोग भी मनाते हैं. तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या किया है. तो मैंने ये रेडी कर लिया है, ये माला भाई के लिए माला उन लिया है मैंने. रात में ही उन लिया था. तो ये धूप ये सब रेडी कर लिया है. तो अभी जब भाई आएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे. और ये सब उन्हें जो भाई को मतलब ज़्यादा तो नहीं खा पाता है तो थोड़ा थोड़ा वो शगुन के लिए. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, बस मिठाई सेल रोटी. सेल रोटी तो होना ही चाहिए, हमारे वो दस्तूर है सेल रोटी. और ये दूध से थोड़ा उनका भाई का मुंह मीठा करते हैं हम लोग. तो ये सब मैंने रेडी कर चुकी हूँ. अभी दीदी भी आएगी, मेरा दूसरा दीदी भी है. दीदी और भाई आएगा, फिर हम लोग टीका का कार्यक्रम शुरू करते हैं. तब तक मैं किचन में खाना बना लेती हूँ. तो चलो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ. ये दाल मैंने रात में भिजा के रखा था. ये मस्यम दाल है जो मैंने रात को ही भिगो के रखा था. तो आज ये बनेगा. फिर उसके बाद चिकन, ये फ्रिज में था इसीलिए ये थोड़ा कड़क होके रखा है. आज मैं बनाऊँगी मेथी चिकन. और उसके बाद यहाँ पे है मछली, ये है पापदा मछली जो मैंने रात को ही मैरिनेट किया हुआ था. तो ये भी बनेगा आज. और यहाँ पे है राई साग नहीं है, ये डुकू है. तो ये डुकू बनेगा. उसके बाद बैंगन भाजा, वो सब मेरे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. पहले मैं शुरू करती हूँ दाल से. पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ कुकर में, उसके बाद फिर मैं ये मैरिनेट करती हूँ. तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग. पूजा को बाद ही हो गया. दीदी जा रहे हैं. ठीक, सरफ निकाल देने का नहीं है. खत्म किया. डब्बा धो दिया हमने. चलो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है. अभी मैं डुकू ये बनाऊंगी, ये डुकू साग. उसके बाद फिर करती हूँ. ये साग से मैंने ये जो डुकू है ये मैंने रात में ही सब साफ़ करके धो के फ्रिज में रखा हुआ था. तो इसको मैं
अभी डायरेक्ट पकाऊंगी, इसको नहीं धोऊंगी क्योंकि रात में मैंने ये धो के रखा था। करा दिया है, अभी जब तक होगा तो मैं उस टाइम तक दूसरा काम करूंगी। पहले मैं ये बैंगन धो के काट लेती हूँ। मेरे चाहिँ यहाँ दाल पनि भइसक्यो र यहाँ साग पनि पाकिसक्यो मेरो भयो मेरो हो साग पनि पाक्यो। अब चाहिँ यहाँ म माछा फ्राई गर्छु। म चाहिँ यहाँ नुहाइ धुवाइ गरेर रेडी भइसक्यो। अब टिका लाउने कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो है, नुहाइ धुवाइ गरिसकेँ। अब दिदी र भाइ आउँछ है, त्यसपछि चाहिँ हामी टिकाको कार्यक्रम सुरु गर्छ। पहिला 10:45 टिकाको कार्यक्रम रहेछ, त्यो गरेर चाहिँ फेरि म खाना हेरौँ गर्छु। आधी त खाना पाकिसक्यो है, त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ साइत रहेछ, साइतको चाहिँ टिका चाहिँ लगाइहालौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ म पहिला टिका लाउँछु, त्यसपछि चाहिँ फेरि कुकिङमा फेरि म अगाडि बढ्छु है, किनकि दिदीहरू उता पनि जानुहुन्छ। भेनाको पनि टिका लाउनुपर्छ दिदीको हातको, त्यसले गर्दा उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी ढिलो हुन्छ भनेर चाहिँ फटाफट टिका चाहिँ लगाएर म सकिहाल्छु भनेर चाहिँ मैले नुहाइ धुवाइ गरिसकेँ। अब चाहिँ टिकाको कार्यक्रम सुरु गर्छु। यदि पाइप हेरेर है दिदी कलाहरू
पानी पर्द दीपकला हात हालेर हात समातेर हाल्नु हैन अगाडि बढेर गर अलिक आरामले उभिरहे येलो येलो दोकान कस्तो भयो त मैले बनाएकै दामी भयो दोकान कस्तो भयो सिलगढी त मैले बिगारी हुने यसमा थालिथाप गरेर मैले कहाँनिर कपाल गर्नुपर्छ मैले त खासमा त काङ्गेले कपाल तेल लगाएर म त बिग्रिन्छ कष्ट सबै हराउनुहोस् उन्नति गर पुरा अझै उन्नति गर्दै जा रोग कष्ट छ हराइहालोस् के खाने रे चियारा हम लोगों का टीका का कार्यक्रम अभी हो चुका है अब हम फोटो शूट करेंगे ऐसे एउटा फोटो खींचू ना किसी का क्रिएटिविटी लेवल मध्ये
हेलो मैले चाहिँ सबै खाना रेडी गरिसके सबै पाकिसकिसक्यो र अब दिदी भाइ आएपछि चाहिँ हामी सबै साथमा खाना खान्छौँ है त्यसपछि म तपाईँलाई देखाउँछु कि हामीले कसरी चाहिँ भाइटिका सेलिब्रेट गर्यो भनेर है र अहिले भाइ आएपछि म तपाईँलाई देखाउँछु फेरि है हामी थोडा इन्जोय गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखिको आजको फेरि भाइटिका सकेपछि त भोलिदेखि फेरि सबैको आफ्नो आफ्नो काम हो है र आज चाहिँ लास्ट तिहार हो हाम्रो सो अलिअलि सेलिब्रेट गर्छौँ त्यसपछि चिकन मेथी चिकन उसके बाद सलाद उसके बाद साग उसके बाद दाल और यहाँ पे मछली जो अभी मेरा खिचड़ी बनने वाला है। चलो अब हम लोग खाएंगे खाना। आपको मैंने दिखाई दिया कि हमने क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया भाई टीका, हम लोग के यहाँ भाई टीका कैसे मनाते हैं वो सब दिखा दिया। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, सी यू, बाय।